एक बार मैं फिर आप लोगों के सामने आई हूँ अपने नए वीडियो के साथ। और स्टूडेंट्स, स्पेशली 12th क्लास के स्टूडेंट, अब आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में केवल एक महीने का समय रह गया है, और यदि अभी तक आपकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुई है, खासकर अकाउंटेंसी की प्रिपरेशन यदि अच्छी से आपकी नहीं अभी हुई है, तो आइए मेरे साथ आइए। और इस वीडियो में ये कोशिश करूँगी कि अकाउंटेंसी का पूरा पार्टनरशिप हम लोग रिवाइज कर लें। स्टूडेंट्स, जो यूपी बोर्ड का जो सिलेबस होता है उसमें अकाउंटेंसी में 60% आपका थ्योरी होता है और 40% आपका न्यूमेरिक होता है। पूरे साल बच्चे क्या करते, केवल न्यूमेरिक करते हैं, थ्योरी पढ़ते नहीं है, फिर उनके परसेंटेज डाउन हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग न्यूमेरिक के साथ साथ थ्योरी पोर्शन भी देंगे। और थ्योरी को यदि आपको पास होना है, अभी आपकी बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं हुई है, कुछ भी तैयारी अकाउंट्स की नहीं हुई है, तो सबसे पहले आप जितने भी अकाउंट्स में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, बहुविकल्पीय वाले, अति लघु वाले, उनको तैयार करिए। यदि आप उनको तैयार कर लोगे तो आपका 30-40% नंबर एकदम सेव हो जाएगा, जिससे कि आपका पास होने का कोई टेंशन नहीं। जिन बच्चों की बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं हुई है, अभी तक उन्होंने कुछ भी तैयारी नहीं की है, वो बच्चे भी आराम से पास हो जाएंगे। उसके बाद फिर आप आइए न्यूमेरिक की तरफ आइए। पहले 40% नंबर सेव कर लीजिए, तब जाके आप न्यूमेरिक के ऊपर आइए। क्योंकि न्यूमेरिक में क्या होता है कि मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिक में, और लॉन्ग क्वेश्चन यदि आपने सही किया तो फुल मार्क्स मिलेंगे, अगर नहीं सही किया तो जो है वो भी चले जाएंगे। और न्यूमेरिक 3-4 क्वेश्चन आएंगे, और उसमें ऑप्शन में आपको एक थ्योरी क्वेश्चन भी मिलेगा। 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कि न्यूमेरिक के ऑप्शन में न्यूमेरिक ही रहता है, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन होता है लॉन्ग में भी कि न्यूमेरिक के ऑप्शन में थ्योरी भी रहता है। तो यदि आपकी न्यूमेरिक अच्छे से तैयार है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर न्यूमेरिक नहीं तैयार हुई है और तो थ्योरी पोर्शन को तैयार करेंगे तो पासिंग नंबर सेव हो जाएगा। और जिन बच्चों का न्यूमेरिक पोर्शन तैयार भी है, वो भी ये समझ लें कि सिर्फ उन्होंने 40% पेपर ही तैयार किया है अभी, क्योंकि न्यूमेरिक तो केवल यूपी बोर्ड में 40% ही आता है। तो 40% न्यूमेरिक तैयार करके आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते, इसलिए आपको जो थ्योरी पोर्शन है अकाउंट्स का, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना पड़ेगा। तो मैं भी अकाउंट्स की बुक के साथ आपके सामने हूँ, और कोशिश करते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट पूरा जितना भी पार्टनरशिप है जो आपके सिलेबस में इस बार आ रहा है, उसका एक एक पॉइंट हम लोग पूरा, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरा चैप्टर, पूरा कंप्लीट पार्टनरशिप को मैं कवर करने की कोशिश करती हूँ, उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले कि पार्टनरशिप क्या होती है, साझेदारी क्या है, उसकी डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए। साझेदारी, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कम से कम दो परिभाषा आपको जरूर याद होनी चाहिए साझेदारी की, किसी भी राइटर्स का आप याद कर लो, किसी भी अर्थशास्त्री की परिभाषा आप याद कर लो, लेकिन मिनिमम 2 परिभाषा तो आपको लर्न होनी चाहिए, अच्छे से लर्न होना चाहिए। उसके बाद साझेदारी के क्या लक्षण होते हैं। अब जैसे भारतीय साझेदारी अधिनियम कहती है, लक्षण से पहले मैं परिभाषा आपको बता दूं, भारतीय साझेदारी अधिनियम क्या कहती है, किसको आप साझेदारी कहोगे, पार्टनरशिप मतलब होता क्या है। तो साझेदारी उन व्यक्तियों का संबंध है जो एक ऐसे व्यापार के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं जो कि उनके द्वारा या उन सभी की ओर से किसी एक के द्वारा जिसका संचालन होता है। सिंपल भाषा में कहें तो साझेदारी में कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, और साझेदारी हम उसको कहते हैं जिसमें सभी व्यक्ति, जितने भी उसके सदस्य हैं, सबकी सहमति के साथ वो किसी कार्य को करने के लिए आगे आते हैं और उससे होने वाले जो भी लाभ हानि है उसका वो आपस में बंटवारा करते हैं, वो साझेदारी होती है। देखिए, अगर आपको किसी अर्थशास्त्री की परिभाषा याद है तो आप उसको लिखिए और उसके नाम के साथ लिखिए, अगर नहीं याद है तो उसकी आदर्श परिभाषा जो उसके रूल रेगुलेशन के अंतर्गत आते हैं उसको आप मिला के एक अच्छी सी परिभाषा बना के भी आप लिख सकते हो। साझेदारी में के लक्षण में क्या होने चाहिए, कम से कम 2 साझेदार हो। साझेदारी तभी होगी जब कम से कम 2 सदस्य हो, मिनिमम 2, ठीक है, और उनके बीच में कोई एक अनुबंध होना चाहिए, ठहराव होना चाहिए, बिना किसी अनुबंध के, चाहे ये लिखित हो या मौखिक हो। जब तक कोई इनके बीच में अनुबंध नहीं होगा तो उसको साझेदारी नहीं कहा जा सकता है। और साझेदारी भी किस लिए करना है, किसी वैध कारोबार को करने के लिए। अगर आप ऐसे काम को करने के लिए साझेदारी करते हो जो कि गैर कानूनी है तो उसे साझेदारी की संज्ञा नहीं दी जाएगी। और कारोबार का उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना,
और उसे आपस में विभाजित करना। लाभ कमाना और आपस में बांटना ये साझेदारी का उद्देश्य होता है, परंतु यदि हानि हुई तो हानि को भी आपस में वो समान रूप से बांटते हैं। अरे कारोबार का सभी साझेदार अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा संचालन, ये जो साझेदारी होती है यदि चाहें तो सभी साझेदार इसका संचालन कर सकते हैं, सब लोग मिलकर इसमें अपनी भागीदारी दिखा सकते हैं, या फिर सबकी तरफ से उन लोगों ने मिलकर सबने सभी सदस्यों ने मिलकर जिस एक व्यक्ति को चयन किया है कि हमारी तरफ से ये व्यक्ति बिजनेस को चलाएगा, ये हमारी साझेदारी को चलाएगा, वो भी चला सकता है। तो ये साझेदारी के प्रमुख लक्षण हैं। और जितने भी इसके साझेदार होते हैं ना, सभी के दायित्व क्या होते हैं, असीमित होते हैं। ये असीमित दायित्व क्या होता है, असीमित दायित्व में कि यदि इन केस लॉस हुआ तो साझेदारों की व्यक्तिगत संपत्ति का मूल्यांकन भी फर्म की संपत्ति के सामान्य किया जाएगा, यानी कि उनको अपनी व्यक्तिगत संपत्ति से भी उनके दायित्वों का भुगतान करना पड़ता है, उसी को कहते हैं असीमित दायित्व। जितने भी साझेदार होते हैं ना, सभी साझेदारी फर्म के क्या होते हैं, एक एजेंट होते हैं, वो एक एजेंट की तरह फर्म के लिए कार्य करते हैं। मीन्स कि जैसे एजेंट क्या करता है, एजेंट हमारी तरफ से हमारे कार्यों को करता है, कंपनी की तरफ का एजेंट है, किसी फर्म का एजेंट है तो वो उस फर्म की तरफ से एग्रीमेंट कर सकता है, उनके लिए मार्केटिंग करता है, सेल परचेस करता है। उसी प्रकार से साझेदारी फर्म के जितने सदस्य होते हैं सभी साझेदारी फर्म के एजेंट के जैसे कार्य करते हैं, यानी कि वो साझेदारी फर्म के लिए अनुबंध कर सकते हैं, उसके लिए क्रय विक्रय कर सकते हैं, और जितने भी कार्य होते हैं जो एक एजेंट कर सकता है वो सभी कार्य एक साझेदार कर सकता है। तो ये तो मैंने बता दिया कि साझेदारी किसे कहते हैं, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 को बता दिया आपको, साझेदारी के प्रमुख लक्षण बता दिए। अब आप आइए कि साझेदारी का भी जो मैंने कहा कि एक ठहराव होना चाहिए साझेदारों के बीच में, एक अनुबंध होना चाहिए, उसी को कहा जाता है साझेदारी संलिखित। यदि जब ये अनुबंध लिखित रूप में होता है, जब साझेदारों के बीच में जो अनुबंध होता है, जो एग्रीमेंट होता है, वो रिटन में होता है, तो उसी को कहते हैं साझेदारी संलेख या पार्टनरशिप डीड। इसमें साझेदारी से संबंधित प्रमुख बातों का उल्लेख होता है, मैं जल्दी जल्दी आपको बता रही हूँ, जैसे कि कौन सा साझेदार कितनी पूंजी लगाया, या प्रत्येक साझेदार कितनी कितनी पूंजी लगाएंगे, यानी कि पहली बात इनकी पूंजी के बारे में, जितने साझेदार हैं सभी साझेदारों का संपूर्ण विवरण होता है, उनका नाम पता इत्यादि होता है। यदि किसी को सैलरी देना है, कमीशन देना है, तो ये भी साझेदारी संलेख में लिखा होना चाहिए। उनको समय समय पे ऑडिटिंग कराना है, इंश्योरेंस कराना है, यानी कि जितनी भी बातें सभी साझेदारों के बीच में अनुबंध के तहत सामने आती हैं वो सभी रिटर्न में होना चाहिए। यदि रिटर्न में नहीं बनाए तो क्या होगा, ये क्वेश्चन आता है कभी कभी कि क्या साझेदारी संलेख बनाना आवश्यक होता है, लिखित अनुबंध करना आवश्यक है। तो देखिए, भारतीय साझेदारी अधिनियम कहती है कि आप लिखित में या मौखिक में किसी भी प्रकार से अनुबंध कर सकते हैं, परंतु यदि आप मौखिक अनुबंध करते हैं तो किसी विवाद के समय वो न्यायालय में मान्य नहीं होगा, और यदि वो लिखित है तभी न्यायालय में मान्य होगा। जैसे साझेदारों के बीच में डिसाइड हुआ कि आपको 5 लाख देना है, उनको 3 लाख रुपए पूंजी के लाने हैं, और प्रॉफिट को भी वो 5/3 के रेशियो में डिवाइड करेंगे, प्रॉफिट होने लगा, फिर दोनों साझेदार चाहते हैं कि भाई मुझे भी बराबर चाहिए था, मुझे भी बराबर प्रॉफिट चाहिए, तो उनके बीच में एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब वो न्यायालय में जाएंगे कि नहीं भाई 5/3 का रेशियो डिसाइड हुआ था, तो लिखित तो कुछ प्रमाण है नहीं, तो न्यायालय कैसे मानेगा। तो इसलिए भविष्य में कोई विवाद की स्थिति ना आए, इसलिए साझेदारी फर्म को चाहिए कि वो रिटर्न में एग्रीमेंट करे। यदि साझेदारी, मान लीजिए कि किसी फर्म ने साझेदारी संलेख नहीं बनाया, क्वेश्चन आता है कि साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में कौन से नियम लागू होते हैं। यदि कोई साझेदारी फर्म उसने रिटर्न में एग्रीमेंट नहीं बनाया, ऐसी मौखिक एग्रीमेंट करके उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया और बाद में कोई विवाद की स्थिति आई, तो उनका निपटारा कैसे किया जाएगा, उसी के लिए है साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदारी के क्या नियम होंगे, वो जो भारतीय साझेदारी अधिनियम में ये बना इसके लिए प्रावधान है, उसी के तहत इनका निपटारा किया जाता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की
धारा 12 से 17 में ये बताया गया है कि साझेदारी संलेख यदि नहीं बना है तो उनपे कौन कौन से नियम लागू होंगे। जितने भी साझेदार हैं, अगर संलेख नहीं बनाया है तो जितने भी साझेदार हैं सभी फॉर्म के संचालन में भाग ले सकते हैं। सभी यदि कोई मतभेद हुआ, किसी भी प्रकार की विवाद हुई तो रिटर्न कोई अग्रीमेंट नहीं है तो सभी साझेदारों को लाभ और हानि में बराबर का हिस्सा मिलता है। साझेदारों को साझेदारी के व्यापार में संचालन में भाग लेने के लिए कोई वेतन या पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। सैलरी या कमीशन तभी दिया जाता है जब पहले से रिटर्न में डिसाइड होता है। अगर पहले से नहीं आपने रिटर्न एग्रीमेंट बनाया है तो फिर किसी साझेदार को सैलरी या उनके काम के बदले में उनको कोई भी कमीशन पारिश्रमिक वगैरह नहीं दिया जाता है। साझेदारों के लाभ और हानि साझेदारों में बराबर बांटे जाएंगे, चाहे पहले आपने जो भी डिसाइड किया हो। लेकिन यदि आपने रिटर्न में एग्रीमेंट नहीं बनाया है तो जितने भी साझेदार हैं सब में उसका बंटवारा बराबर बराबर होगा। इसी तरह से यदि कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है तो उस पर उसको अधिकतम 6% तक का ब्याज दिया जा सकता है। जैसे कोई अतिरिक्त पूंजी दिया फर्म को बीच में आवश्यकता पड़ने पे, तो उस पर भी क्या ब्याज दिया जाए क्या नहीं दिया जाएगा। अगर इसका पहले से कुछ रिटर्न में नहीं है तो पूंजी पर साझेदारों को ब्याज नहीं दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने मेन मेन पॉइंट्स बता दिए, क्योंकि एक वीडियो में सारे पॉइंट्स अगर हर टॉपिक का लूंगी तो फिर नहीं हो पाएगा। तो इतना आप जान जाइए कि साझेदारी क्या है, साझेदारी के लक्षण मैंने बता दिए, साझेदारी संलेख बता दिया, और साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में कौन कौन से नियम लागू होंगे। साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 12 से 17 तक के जो नियम है वही नियम लागू होंगे। अब बात आती है साझेदारी खातों की, बात करते हैं तो जो जितने भी साझेदार होते हैं वो भी खाते बनाते हैं, फॉर्म भी उनका अकाउंट बनाता है। तो साझेदारी फॉर्म में मुख्य रूप से दो प्रकार के खाते बनाए जाते हैं। एक तो पूंजी का खाता बनाया जाएगा और दूसरा है कि चालू खाता बनाया जाएगा। पूंजी खाता और चालू खाता, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। देखिए, कैपिटल अकाउंट में भी है, कैपिटल अकाउंट है, करेंट अकाउंट, ये तो मुख्य रूप से दो होते हैं। इसके बाद यदि कोई साझेदार आहरण करता है बीच में अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए राशि या माल लेता है तो उसके लिए ड्रॉइंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। यदि उनको ब्याज का भुगतान किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, अगर किया जा रहा है तो इंटरेस्ट अकाउंट भी बनेगा, और अगर लोन लिया है फर्म ने या फर्म को लोन दिया गया है तो लोन अकाउंट भी बन सकता है। लेकिन मुख्य रूप से हम लोग इस चैप्टर में जो साझेदारी खाते का जो पहला चैप्टर है सामान्य परिचय, इसमें हम लोग पार्टनर्स के लिए दो प्रकार के अकाउंट्स मेनली हम लोग पढ़ते हैं, एक उनके कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में भी है कि जो साझेदार हैं उनके पूंजी कैसी है, स्थायी पूंजी है, फिक्स असेट्स है या फ्लक्चुएटिंग असेट्स है, तो उसके आधार पे बनाया जाता है। लेकिन सबसे पहले हम इससे भी पहले हम लोग बात करेंगे, कैपिटल अकाउंट से पहले बात करेंगे कि साझेदारी हम लोगों ने इसीलिए की है कि लाभ का बंटवारा हो। तो यदि फर्म को लाभ होता है तो उस लाभ को कैसे बांटा जाएगा, किस अनुपात में बांटा जाएगा, उसके साझेदारों के बीच, कहें कि साझेदारों के बीच में लाभ का बंटवारा करने के लिए कौन सा अकाउंट बनाया जाएगा, ये जो मैं बता रही हूँ इसका अलग से वीडियो भी है, आप देख लेना। तो पार्टनर्स के बीच में जब भी फर्म को प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, उनको लाभ का बंटवारा करने के लिए, साझेदारों के बीच लाभ का बंटवारा करने के लिए जो पार्टनर्स होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट उनको बनाना पड़ता है। ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या करते हैं कि जितने भी पार्टनर्स हैं वर्ष में जो लाभ हुआ है उन सभी पार्टनर्स के बीच में जिस अनुपात में लाभ को बांटना है, पहले से जो पूर्व निर्धारित है कि 2:3:1 के रेशियो में या जिस रेशियो में भी है इक्वल बांटना है, तो उसी अनुपात में जो वर्ष का लाभ होता है उसे जितने भी साझेदार हैं सभी साझेदारों के बीच में बांटा जाता है। और जो हम लोग पूंजी खाते की बात कर रहे थे, तो यदि पूंजी की प्रकृति स्थिर प्रकार की है यानी कि फिक्स असेट्स है
तो उसमें दो तरह के अकाउंट बनाने पड़ते हैं, एक तो पार्टनर्स अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट, यदि पूंजी स्थिर है, स्थिर प्रकृति की है तो। लेकिन यदि पूंजी की प्रकृति फ्लक्चुएटिंग है, यानी कि परिवर्तनशील पूंजी है, तो ऐसी दशा में अलग से कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट अलग अलग ना बनाकर एक में ही बनता है, एक ही अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसमें दोनों ही चीज़ें जो अलग अलग अभी तक हम लोग करते थे फिक्स में, वो कंबाइंड एक साथ ही आती है। तो ये तो मैंने फर्स्ट चैप्टर का लगभग लगभग कोशिश किया है कि पूरा ये 10 मिनट 15 मिनट के अंदर पूरा आपको एक रिवीजन करा दूं। अब इस चैप्टर से रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते, मेन शॉर्ट क्वेश्चन है, उसका भी साथ साथ रिवीजन करा दूं, ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाए। तो देखिए, सबसे जो पहला है कि साझेदारी का क्या अर्थ होता है, जो मैंने भी आपको बताया साझेदारी क्या है, इसमें कम से कम दो या दो से अधिक व्यक्ति जो अपनी स्वेच्छा अनुसार किसी कार्य को करने के लिए सहमत होते हैं और आपसी समझौते के तहत लाभ हानि को बांटने के लिए सहमत होते हैं। ये तो एक सामान्य अर्थ में आपको समझा रही हूँ, लेकिन आपको भारतीय साझेदारी अधिनियम की परिभाषा के तहत आपको लिखना चाहिए। किसी वैध कार्य को करने के लिए कम से कम दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी वैध कार्य को करने के लिए अपनी सहमति से जब एक साथ आते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, साझेदारी कहते हैं, और उनके बीच में लाभ और हानि का बंटवारा करने के लिए भी वो सहमत होती है। इसके बाद है परिवर्तनशील पूंजी खाते से क्या आशय। अभी मैंने आपको बताया ना कि एक दो प्रकार की पूंजी होती है, एक तो स्थिर पूंजी होती है, दूसरा परिवर्तनशील, यानी एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो ये स्थिर और अस्थिर पूंजी या परिवर्तनशील पूंजी खाते का क्या अर्थ है, किसको कहेंगे हम लोग परिवर्तनशील पूंजी खाता। तो कह रहे हैं जब साझेदारों के बीच में उनके इस प्रकार के व्यवहार होते हैं, इस प्रकार का लेन देन होता है कि पूंजी का की प्रकृति परिवर्तनशील लगे, ऐसा लगे कि पूंजी में परिवर्तन हो रहा है, जैसे एक बार लगाया फिर आवश्यकता पड़ी फिर बीच में लगाया, पूंजी की प्रकृति परिवर्तनशील होती है तो उसे हम लोग परिवर्तनशील पूंजी खाता उसके लिए बनाया जाता है। जब पूंजी की प्रकृति परिवर्तनशील होती है तब जो साझेदारों के पूंजी खाते बनाए जाते हैं उसे परिवर्तनशील पूंजी खाता कहते हैं। जैसे कि परिवर्तनशील पूंजी कैसे होगी, जनरली तो हम लोग समझते हैं कि एक बार हमने 2 लाख लगाया या 10 लाख लगाए, उतनी ही पूंजी से लगाया, उससे बिजनेस स्टार्ट किया, तो परिवर्तनशील पूंजी कैसे हो गई। परिवर्तनशील पूंजी यदि उनको ब्याज दिया जा रहा है, पूंजी पे ब्याज दिया जा रहा है, उनको वेतन दिया जा रहा है, कमीशन आदि दिया जा रहा है, तो प्रत्येक वर्ष के अंत में उनकी पूंजी में कुछ परिवर्तन होता है, इसीलिए परिवर्तनशील पूंजी खाते का है। जहाँ पे उनको वेतन कमीशन पूंजी पे ब्याज इत्यादि दिया जा रहा है तो वहाँ पे हम लोग सामान्यतः परिवर्तनशील पूंजी खाते बनाते हैं। देखिए, जब तक क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया होता है कि पूंजी की प्रकृति स्थिर है या परिवर्तनशील, तो यही माना जाता है कि पूंजी की प्रकृति परिवर्तनशील है और परिवर्तनशील पूंजी खाते यानी कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ही बनाया जाता है। एक और क्वेश्चन लीजिए कि एक फर्म के में प्रवेश किए गए नए साझेदार को दो अधिकार का उल्लेख करिए। किसी फर्म में, पहली बात तो ये आता है कि किसी फर्म में क्या नए साझेदार का प्रवेश हो सकता है, और यदि हो सकता है तो उसके क्या अधिकार वगैरह होते हैं। ये वैसे नए साझेदार के बारे में सेकंड वाले चैप्टर में आपको अच्छे से बताऊंगी, यहाँ क्वेश्चन दे दिया फर्स्ट चैप्टर में ही, तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, किसी भी फर्म में नए साझेदार का प्रवेश तब तक नहीं हो पाता है जब तक कि सभी पुराने साझेदारों की सहमति नहीं होती है। जब तक सारे साझेदारों की सहमति नहीं होगी तब तक किसी भी नए साझेदार का प्रवेश नहीं होता है, और जो नया साझेदार आता है उसके आने के साथ या किसी साझेदार को फॉर्म को छोड़ के जाने के साथ ही जो उनका अनुबंध होता है ना, पहले का जो उनका पुराना एग्रीमेंट होता है साझेदारी का, वो समाप्त हो जाता है और नया अनुबंध करना होता है। और जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो उसे भी लाभ पाने का अधिकार होता है, फर्म में जो भी फर्म को लाभ होगा उसे भी लाभ और हानि दोनों में उसकी भी हिस्सेदारी होती है, और फर्म की संपत्ति में भी हिस्सा पाने का वो अधिकारी हो जाता है। ये दो अधिकार मैंने आपको बताए।
एक और क्वेश्चन आता है कि क्या फर्म में किसी फर्म में ऐसे व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो, या जो नाबालिग है, नाबालिग का प्रवेश फर्म में हो सकता है या नहीं हो सकता है। सामान्यतः साझेदारी फर्म क्या होता है, अनुबंध के साथ उत्पन्न होती है, अग्रीमेंट से साझेदारी का जन्म होता है। और चूंकि एक नाबालिग व्यक्ति के अंदर अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती, तो सामान्य रूप से नाबालिग को साझेदारी में प्रवेश नहीं दिया जाता है। परंतु यदि सभी साझेदारों की सहमति हो कि इनको प्रवेश देना है, तो सबकी सहमति से उसको प्रवेश तो दिया जा सकता है। सामान्य रूप से नहीं दिया जा सकता, लेकिन सबकी सहमति है तो उसको प्रवेश दिया जा सकता है, लेकिन उसके अधिकार और दायित्व बहुत सीमित हो जाते हैं। वो लाभ में लाभ पाने का अधिकारी तो है जितना निर्धारित किया जाएगा, लेकिन उसकी जब तक वो वयस्क नहीं हो जाता, वो किसी भी प्रकार की दायित्व के लिए उसकी जवाबदेही नहीं होगी। यानी कि कहें कि उसके दायित्व असीमित नहीं कहे जाएंगे, वो सिर्फ लाभ में हिस्सा पाने का अधिकारी होगा और फर्म के संचालन वगैरह में भी वो तब तक भाग नहीं ले सकता। साझेदारों के बीच में जब कोई नया साझेदार प्रवेश करता है, तो पुराने साझेदारों को नए साझेदार के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है, यानी सैक्रिफाइस करना पड़ता है ओल्ड पार्टनर्स को न्यू पार्टनर्स के लिए। ये सेकंड चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो वगैरह एंट्री ऑफ न्यू पार्टनर्स में। ये सैक्रिफाइस क्या होता है, देखिए जब पहले दो पार्टनर, सपोज कि पहले दो पार्टनर्स थे या चार पार्टनर्स थे, तो ये प्रॉफिट को यदि इक्वल इक्वल आपस में बांट रहे, तो 1/4 ले रहे हैं। अब एक नए पार्टनर को इन्होंने एंट्री दी, अगर उसको भी इक्वली दे रहे हैं, तो जिसको पहले चार लोग थे तो 1/4 ले रहे थे, अब एक और नया पार्टनर आ गया, अब ये 5 पार्टनर हो गए, तो 5 पार्टनर हो गए, अगर ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1/5 ईच पार्टनर को पड़ेगा। तो इनके द्वारा जो त्याग किया गया, यानी इनका जो पहले जो हिस्सा था और अब जो इनको हिस्सा मिल रहा, दोनों का जो अंतर है उसी को त्याग कहते हैं, साझेदारों का त्याग कहते हैं, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो त्याग का अनुपात या सैक्रिफाइसिंग रेशियो वही कहा जाता है, जो इनका अनुपात होता है, दोनों का जो अंतर आया। यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होता है तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, पुराने अनुपात में से नया अनुपात जब माइनस कर देते हैं तो उनका क्या निकल आता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाता है, उसे हम त्याग का अनुपात कहते हैं। और एक और बात आती है, पुनर्मूल्यांकन खाता की बात आती है। पुनर्मूल्यांकन खाता क्या होता है, यानी फर्म की संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन करना। जब नए साझेदार का प्रवेश होता है तो जरूरी तो नहीं है कि ईयर के एंड में ही नया साझेदार आ रहा है, उसका अप्रैल में, मई, जून, जुलाई, किसी भी मंथ में वो उसकी एंट्री हो सकती है। तो जिस टाइम नए पार्टनर की एंट्री हो रही है, उस टाइम फर्म की वास्तविक संपत्ति क्या है, फर्म की लायबिलिटी क्या है, वो जानने के लिए फर्म की संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। कई बार क्या होता है कि जो लास्ट ईयर का अंतिम वर्ष का, अंतिम वित्तीय वर्ष का जो फाइनल अकाउंट जो वो संपत्ति और दायित्व तो शो करते हैं, हो सकता है कि फर्म ने कुछ और संपत्ति क्रय की हो, संपत्तियां बढ़ी हों, दायित्व तो घटे हों, या ऐसा भी हो सकता है कि दायित्व तो बढ़े हों, संपत्ति कम हुई हो। इसलिए नए साझेदार के प्रवेश के समय उसके समक्ष संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। ये तो मैंने बताया नए पार्टनर के एंट्री के समय त्याग का अनुपात के बारे में बताया, संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन के बारे में बताया, और एक वर्ड आता है ख्याति, गुडविल। इस वर्ड से सभी लोग परिचित हैं, लेकिन जब ख्याति को परिभाषित करने की बात आती है तो बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं। आप जानते हो, कैलकुलेट करते हो गुडविल, गुडविल कैलकुलेट करने का मेथड भी जानते हो, लेकिन गुडविल क्या है उसको यदि आपको जब लिखना पड़ता है कि ख्याति क्या होती है, तो वो गड़बड़ हो जाता है, नहीं लिख पाते। देखिए ख्याति क्या है, ख्याति भी एक संपत्ति है, ख्याति को असेट साइड में शो किया जाता है, लेकिन ख्याति कैसी संपत्ति है, ये दिखाई नहीं देती, ये एक अदृश्य और अस्थाई संपत्ति होती है। जिस किसी भी कंपनी की जिसकी ख्याति बहुत अच्छी हो जाती है, जैसे आप जिन भी फेमस कंपनी का नाम जानते हो, टाटा है, बिरला है, रिलायंस है, अंबानी है, इनकी जो भी कंपनियां हैं
इनकी ख्याति ऑलरेडी बनी हुई है, अब ये नया अभी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इनको नए बिजनेस में भी इनके पुराने गुडविल का बेनिफिट मिलता है, पुरानी ख्याति का फायदा मिलता है। इसलिए कहते हैं कि ख्याति क्या है, एक अदृश्य और स्थायी संपत्ति है। इसका सृजन प्रक्रिया जो होती है वो मूल्य तो होता है पर इसे देखा या छुआ नहीं जा सकता। जो ख्याति होती है इसका इसको वैल्यूएट किया जाता है, इसका मूल्यांकन किया जाता है, लेकिन इसको हम अन्य वस्तुओं की तरह छू के नहीं देख सकते। बस ये दिखता नहीं है लेकिन ये होता है। और करें यह एक आकर्षण शक्ति भी है। किसी कंपनी की, किसी संस्था की जितनी अधिक ख्याति होती है वो कस्टमर्स को, दूसरे व्यवसायियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इसलिए कहा कि ख्याति क्या है, एक ख्याति के अंदर एक आकर्षण शक्ति। ख्याति एक ऐसी संपत्ति है जो कि अमूर्त संपत्ति है, मतलब दिखाई नहीं देती है लेकिन ख्याति होती है। इसका वैल्यूएशन किया जा सकता है, इसका मुद्रा में मूल्यांकन भी किया जा सकता है। करें इसका मूल्य व्यापारिक संस्था की कैसे निकालते हैं, उसकी प्रसिद्धि कितनी है, उसकी प्रतिष्ठा कितनी है, उसकी ईमानदारी, सच्चाई, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन, ये सब के आधार पर किसी संस्था की ख्याति की गणना की जाती है। ख्याति के लिए कहा जाता है कि ख्याति एक लाभ है जो कि व्यवसाय के संबंध और प्रतिष्ठा से उत्पन्न होती है। किसी भी व्यवसाय की, किसी फर्म की, संस्था की कितनी प्रतिष्ठा है, कितनी मार्केट में उसकी ख्याति है, कितनी प्रसिद्धि है, उसी के आधार पर उसकी ख्याति की निर्धारित की जाती है। ख्याति के मूल्यांकन की जो मेथड है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वो उसको आप अलग से वीडियो है उसमें आप देख लीजिएगा। अभी मैं केवल थ्योरी पोर्शन का रिवीजन करा रही हूँ, जो मेन थ्योरी के पॉइंट्स हैं वो उसको मैं बता रही हूँ। किसी फॉर्म की ख्याति को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं, किसी फॉर्म की ख्याति को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, तो उसको फटाफट ध्यान से सुनिए। व्यापार का स्थान, किसी फॉर्म की ख्याति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। अब आपने किस स्थान पे अपना फॉर्म, अपना बिजनेस खोला है वो भी एक बड़ी बात होती है। जैसे कुछ ऐसे स्थानों पे करते हैं जहाँ लोगों की आवाजाही ज़्यादा होती है, जो फेमस होते हैं, पब्लिक एरिया होता है, तो वहाँ पे जो भी फॉर्म खोला जाएगा उसकी ख्याति काफ़ी हद तक अधिक होती है ऐसे स्थान की तुलना में जहाँ पे जो निर्जन स्थान है, जहाँ या कहिए कि लोगों का आवागमन कम होता है, उससे उनकी ख्याति भी कम होती है। तो करें कि यदि मान लीजिए किसी सिनेमा हॉल के पास, रेलवे स्टेशन के पास या किसी यूनिवर्सिटी के पास कोई फॉर्म है, तो वहाँ पे चूंकि अधिक संख्या में लोगों का आना जाना होता है तो उस फॉर्म की ख्याति भी ज़्यादा होगी। व्यवसाय की प्रकृति, किस प्रकार के वस्तु का आप बिजनेस कर रहे हैं, उसमें अधिक रिस्क है, कम रिस्क है, या वो लोगों की आवश्यकता की कितनी अधिक वस्तु है, इस पे भी उसकी ख्याति निर्भर करती है। उसमें जोखिम निश्चित है या अनिश्चित है। देखिए कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिसमें रिस्क ज़्यादा होता है और कुछ बिजनेस में रिस्क कम होता है, तो इससे भी फर्म की ख्याति पे प्रभाव पड़ता है। जैसे कुछ जैसे फल सब्जी वगैरह के जो बिजनेस हैं, ये कैसे चीज़ें होती हैं, इनकी जो बिक्री होती है वो कम, मतलब नाशवान भी है, इनको जल्दी ख़राब भी हो सकते हैं, तो इनकी जो ख्याति होती है ऐसी चीज़ों की कम होती है। लेकिन यही कोई मॉल है, PVR है, कोई बड़ा उत्पाद वाली चीज़ें हैं तो उनकी ख्याति ज़्यादा होती है। जिस चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हैं, जिस फील्ड में आप हैं, फर्म जो कार्य कर रही है, उसका मार्केट पे एकाधिकार है या नहीं है, इससे भी फर्म की ख्याति प्रभावित होती है। और व्यवसाय का प्रबंध कौन कर रहा है, कई बार देखा होगा कि लोग स्वयं ही अपने व्यवसाय का प्रबंधन करते हैं और कई बार वो किसी योग्य, अनुभवी, प्रशिक्षित व्यक्ति को प्रबंधन के कार्य के लिए रखते हैं। तो जो स्वयं प्रबंधन कर रहा है, मैनेजमेंट का काम कर रहा है, और जो एक अच्छे क्वालिफाइड एजुकेटेड पर्सन को लाया है मैनेजमेंट करने के लिए, दोनों से क्या फर्क पड़ता है। जहाँ पे एक योग्य, यानी कहें कि एक अच्छा क्वालिफाइड मैनेजमेंट होगा, उसकी ख्याति, उसकी गुडविल ज़्यादा अच्छी होगी, उसकी मार्केट वैल्यू भी अधिक होगी। व्यवसायी का व्यक्तित्व
जो बिजनेसमैन है उसका पर्सनल व्यक्तित्व कैसा है, वो ईमानदार है, उसकी ख्याति कैसी है, मार्केट वैल्यू कैसी है, उससे भी व्यवसाय की ख्याति प्रभावित होती है। पूंजी की मात्रा, कितना पैसा आपने लगाया है। देखिए व्यवसाय ऐसा होता है, कम पैसे से भी कर सकते, छोटा बड़ा हर प्रकार का बिजनेस होता है, लेकिन यदि व्यवसाय के बैकअप में यानी कहें कि पर्याप्त मात्रा में उनके पास पूंजी होती है तो उसकी ख्याति अधिक होती है। जितनी है, जितना बड़ा व्यवसाय उसकी ख्याति भी उतनी अधिक होती है। और व्यवसाय के लिए जो चिन्ह, जो लोगो, जो सिंबल जो प्रयोग किया जाता है वो कितना प्रचलित है, उसकी लाभ की मात्रा, उसको ईयरली क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि वो लोग अपना प्रकाशित भी कराते हैं, ईयरली उनका जो प्रॉफिट होता है उसको समाचार पत्रों में प्रकाशित भी कराते हैं, जिससे कि लोगों को पता चलता है, पब्लिक को पता चलता है कि इस फर्म की आर्थिक स्थिति कैसी है, तो उससे उसके ख्याति पे प्रभाव पड़ता है। ये तो मैंने एक जनरल सी बातें बता दी कि ख्याति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं। अब आइए कि ख्याति के मूल्यांकन के लिए मैंने ये भी बताया कि ख्याति के मूल्यांकन की जो विधियां हैं उन विधियों को आप समझने के लिए आप मेरा ख्याति के मूल्यांकन का वाला जो वीडियो है उसको आप देख लीजिएगा। और अभी आप सिंपली बता देती हूँ, ख्याति के मूल्यांकन करने की जो प्रमुख विधियां हैं वो है 5 प्रकार की प्रमुख विधियां हैं, लेकिन न्यूमेरिक में ये 5 ज़्यादा नहीं आते। न्यूमेरिक में जनरली 4 प्रकार की ही विधियाँ हम लोग करते हैं जो न्यूमेरिक सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है औसत लाभ विधि, एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसको आप देख लीजिएगा जरूर, इसका दूसरा वाला वीडियो देखिएगा, ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाला मेरा वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको न्यूमेरिक का मिल जाएगा। यहाँ मैं कुल थ्योरी बता रही हूँ। तो पहला है औसत भुगतान विधि, दूसरा है अधिलाभ विधि सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा है वो वार्षिक विधि यानी कि एनुइटी मेथड है, और चौथा है पूंजीकरण विधि कैपिटलाइजेशन मेथड, और पांचवा है छिपी हुई ख्याति। छिपी हुई ख्याति हिडन गुडविल है, इस पर न्यूमेरिक कम आता है। जनरली आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड पे, सुपर प्रॉफिट मेथड और वार्षिक विधि एनुइटी इस पे ही ज़्यादा न्यूमेरिक क्वेश्चन आते हैं, और कुछ क्वेश्चन पूंजीकरण विधि पे भी यानी कि कैपिटलाइजेशन मेथड से इससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। स्टूडेंट्स ये जो सेकेंड चैप्टर है, मैं फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कराते हुए यानी कि नए साझेदारी की परिभाषा वगैरह बताते हुए मैं धीरे धीरे सेकंड चैप्टर पे आ गई हूँ, नए साझेदार का प्रवेश भी। तो नए साझेदार के प्रवेश में मैंने आपको बताया कि नए साझेदार का प्रवेश कैसे हो सकता है, जब तक सबकी सहमति नहीं होगी तब तक नए साझेदार का प्रवेश नहीं हो सकता। नए साझेदार के प्रवेश के समय संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन करना होता है। नए साझेदार के प्रवेश होने से जो पहले की उनकी साझेदारी होती है वो भंग हो जाती है और नया एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, और जो भारतीय साझेदारी अधिनियम कहती है कि नए साझेदार का प्रयोग कब होना चाहिए, जब फर्म को ये लगे कि वास्तव में नए साझेदार के प्रवेश की आवश्यकता है तभी नए साझेदार का प्रवेश होना चाहिए। भारतीय साझेदारी अधिनियम की 1932 की धारा 31 के 1 में बताया गया है कि जब तक सभी साझेदारों की स्वतंत्र सहमति नहीं हो तब तक नए साझेदार का प्रवेश नहीं होगा, यानी किसी पे बलपूर्वक दबाव डालकर नए साझेदार का प्रवेश नहीं होता है। नया साझेदार कोई भी हो सकता है, पुरुष और स्त्री में से कोई हो या दोनों भी हो सकते हैं। नया साझेदार यदि अवयस्क है, तो अवयस्क के लिए मैंने बताया था कि यदि कोई अवयस्क होता है तो साझेदारों में सबकी स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो बताया मैंने कि अवयस्क को तो अनुबंध करने का उसके पास अधिकार ही नहीं होता, वो एग्रीमेंट नहीं कर सकता, फिर उसको कैसे प्रवेश दिया जाएगा। यदि अवयस्क को प्रवेश देना है तो सबकी सहमति होनी चाहिए, सब चाहते हैं तो उसको मिल सकता है प्रवेश साझेदारी में, लेकिन वो सिर्फ लाभ में उसकी हिस्सेदारी होती है। नए साझेदार क्या कितनी पूंजी लाएगा, क्या वो ख्याति लेके प्रवेश करेगा, इन सब की गणना करना भी आपको इसी सेकंड चैप्टर में पढ़ना है कि नए साझेदार कितनी पूंजी लेके आ रहा है, पूंजी ही केवल ला रहा है या पूंजी के साथ साथ कुछ गुडविल अमाउंट भी ला रहा है,
तो उसके आधार पे न्यूमेरिक क्वेश्चन आते हैं। और थ्योरी पोर्शन में कोशिश कर रही हूँ कि मैं कुछ भी छूटे ना, मैं पूरा पूरा टच करते हुए आपको, ताकि आपके एक वीडियो में पूरा कंप्लीट पार्टनरशिप जो है उसका रिवीजन हो जाए, थ्योरी पोर्शन आपको कहीं अलग से और नहीं पढ़ना पड़े। नए साझेदार कई बार क्या होता है कि जो गुडविल होता है वो संपत्ति के रूप में लाता है, कभी नगद रूप में लाता है। अगर संपत्ति के रूप में लाता है तो उसके लिए क्या लेखे किए जाएंगे, उसके लिए क्या जनरल एंट्री है, उसे भी आप लोग न्यूमेरिक वाला वीडियो जब देखेंगे ना, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, उसमें आपको मिल जाएगा। कभी कभी बात आती है गुप्त ख्याति की, ये गुप्त ख्याति क्या होता है? ख्याति तो हम समझ गए, किसी फॉर्म का जितना नाम होता है, प्रसिद्धि होती है, उसकी ख्याति होती है। ये गुप्त ख्याति क्या होती है? गुप्त ख्याति छिपी हुई ख्याति, यानी ऐसी ख्याति जो है लेकिन आपको स्पष्ट रूप से वो दिखाई नहीं दे रही है। ख्याति तो वैसे भी अदृश्य संपत्ति होती है, अमूर्त संपत्ति होती है, लेकिन उसमें भी ये ऑलरेडी अमूर्त संपत्ति होती है, लेकिन उसमें भी हिडन गुडविल यानी छिपी हुई ख्याति, ये क्या है? कह रहे कि कभी कभी साझेदारों के द्वारा दी जाने वाली ख्याति की राशि के विषय में स्पष्ट उल्लेख नहीं होता, कि जब साझेदार कितनी संपत्ति की राशि दे रहे हैं या किसी साझेदार की क्या गुडविल है, उसके बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बताया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो भी छिपी हुई ख्याति है फॉर्म की, जिसको स्पष्ट नहीं किया गया है, उसी को हम लोग हिडन ख्याति कहते हैं। जब किसी साझेदार की या सभी साझेदारों की ही ख्याति के बारे में स्पष्ट वर्णन नहीं होता, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हिडन ख्याति या छिपी हुई ख्याति। जैसे कि नई फर्म की कुल पूंजी, हिडन ख्याति निकालने के लिए जो नई फर्म की कुल पूंजी है और पहले नए साझेदार के प्रवेश के पहले फर्म की कुल पूंजी कितनी थी, उसके आधार पे हम लोग दोनों का अंतर निकाल के समझ सकते हैं कि छिपी हुई ख्याति कितनी है, उसका वैल्यूएशन कर सकते हैं। पुराने और नए साझेदार की संयुक्त पूंजी, पुराना साझेदार उसने कितना पूंजी लाया, उनका टोटल कितना कैपिटल था, जो नया साझेदार का प्रवेश हुआ उसकी पूंजी कितनी है, इन सबका वैल्यूएशन करके हम गुप्त ख्याति की गणना कर सकते हैं। चलिए, ये तो मैंने नए साझेदार के प्रवेश से चैप्टर का जो जो मेन पोर्शन था वो बता दिया। अब इस चैप्टर से रिलेटेड जो एकदम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, ये दो चैप्टर मैंने बताया, नए साझेदार का प्रवेश और साझेदारी का सामान्य परिचय। इन दोनों में जो एकदम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, वन वर्ड वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले साझेदारी अधिनियम कब लागू हुआ, भारतीय साझेदारी अधिनियम कब लागू हुआ, 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करेंगे, साझेदारों में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती, साझेदारी में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, तो जवाब है दो। बैंकिंग व्यवसाय में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो बैंकिंग व्यवसाय में साझेदारों की अधिकतम संख्या 20 तक हो सकती है। साझेदारी अनुबंध के अभाव में साझेदारों के मध्य लाभ हानि का अनुपात कैसे होता है, यदि एग्रीमेंट नहीं किया है तो उनके बीच में प्रॉफिट लॉस कैसे बांटेंगे, बराबर बराबर, इक्वल इक्वल। साझेदारों में लाभ हानि का बंटवारा किया जाना चाहिए साझेदारी संलेख के अनुसार, किस प्रकार से साझेदारों के बीच में लाभ हानि का बंटवारा होता है, संलेख के अनुसार। अगर संलेख नहीं है तब बराबर बराबर बांटा जाता है। एक सामान्य साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, सामान्य साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या 20 तक हो सकती है। साझेदारों का संबंध अनुबंध के द्वारा उत्पन्न होता है या नहीं होता है, तो साझेदारों का संबंध अनुबंध के द्वारा ही उत्पन्न होता है, बिना अनुबंध के साझेदारी नहीं होती। साझेदारी, एक और प्रश्न आता है कि साझेदारी का पंजीयन यानी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है या नहीं होता, तो स्टूडेंट्स आप लोग जान जाइए कि साझेदारी का पंजीयन कराना ये भी अनिवार्य नहीं होता, ये ऐच्छिक होता है। ये साझेदारों और फॉर्म के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसका पंजीयन कराते हैं या नहीं कराते, लेकिन नहीं कराएंगे तो विवाद की स्थिति में उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अवैध साझेदार का लाभ का हिस्सा प्राप्त कर सकता है या नहीं कर सकता, तो वो भी मैंने भी बताया कि अवैध को लाभ का हिस्सा मिलता है, वो हानि में वो हिस्सेदार नहीं होता है। साझेदारी अधिनियम 1956 में लागू हुआ या 32 में लागू हुआ, कब साझेदारी अधिनियम लागू हुआ, तो भी बताया था मैंने, साझेदारी अधिनियम 1932 में लागू हुआ, 1956 तो कंपनी अधिनियम है।
कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेते हैं। संपत्ति के मूल्य में कमी और दायित्व के मूल्य में वृद्धि साझेदारों में किस खाते में दिखाया जाता है? यदि संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो रही है और दायित्व के मूल्य में भी वृद्धि हो रही है, या संपत्ति का मूल्य कम हो रहा है या दायित्व का मूल्य कम हो रहा है, तो ये कौन से खाते में ये दिखाया जाता है कि संपत्ति के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई, कितनी कमी हुई? जब हम लोग नए साझेदार के प्रवेश के समय पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं तो उसमें हम लोग दर्शाते हैं कि संपत्ति के मूल्य में कितनी वृद्धि हो रही है, दायित्व के मूल्य में कितना वृद्धि हो रहा है, वो पुनर्मूल्यांकन खाते में दर्शाते हैं। ये ध्यान रखिएगा। फिर नए साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि नगद लाने पे पुराने साझेदार में बांटी जाती है। पुराने किस अनुपात में? जब नया साझेदार ख्याति की राशि को लेकर फर्म में प्रवेश करता है तो जो भी पुराने साझेदार होते हैं उनके बीच में उनके त्याग के अनुपात में इसका वितरण होता है। किस अनुपात में होता है? त्याग के अनुपात में वितरण होता है। और ये जो पुनर्मूल्यांकन खाता होता है ये किस प्रकार का खाता है? वास्तविक खाता है, व्यक्तिगत खाता है या नाममात्र का खाता है? तो पुनर्मूल्यांकन खाता को नाममात्र का खाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी संपत्ति के मूल्य में कमी कहलाती है। अगर यदि किसी भी स्थायी संपत्ति के मूल्य में कमी होती है, स्थायी संपत्ति जैसे मशीनरी है, फर्नीचर है, प्लांट है, इसके मूल्य में जो कमी आती है, वाहन है, उसको क्या बोलते हैं? उसको ह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन बोलते हैं। पुनर्मूल्यांकन पे लाभ या हानि को सहा जाएगा। यदि पुनर्मूल्यांकन किया है और लाभ हुआ तो पुराने साझेदारों में बांटा जाएगा, हानि हुई तो भी उसे पुराने साझेदारों को सहना होगा, क्योंकि ये नए साझेदार के प्रवेश के पहले किया जाता है ना पुनर्मूल्यांकन। दायित्व में यदि दायित्व में कमी आती है तो दायित्व में कमी क्या समझा जाता है? लाभ हुआ या हानि हुआ? यदि किसी संपत्ति के मूल्यांकन के समय पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते समय दायित्व में कमी आई है तो ये क्या होता है? ये लाभ कहा जाएगा। दायित्व भी यदि कमी हुई है तो एक सामान्य साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या, ये तो मैंने भी आपको बताया था कि एक सामान्य साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या 20 होनी चाहिए। साझेदारी में लाभ हानि का बंटवारा साझेदारी संलेख के आधार पर होना चाहिए और साझेदारी में चालू खाते का शेष सदैव क्या होता है? डेबिट होता है, डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, या दोनों होता है, या कोई नहीं होता है। तो साझेदारी में जो करंट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट का जो बैलेंस आया वो दोनों हो सकता है, दोनों में से कोई नहीं होता है, ना तो वो डेबिट बैलेंस होता है ना तो वो क्रेडिट बैलेंस होता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने कोशिश किया कि ये जो दो पार्ट हैं, पार्टनरशिप और इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप और नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, इसके जितना थ्योरी पोर्शन है उसको मैंने पूरा कवर करने की इस वीडियो में कोशिश किया है। और इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग आएंगे लेकर उसमें साझेदारों के का अवकाश, रिटायरमेंट, रिटेन पार्टनर्स के बारे में हम लोग बताएंगे। जब कोई साझेदार अपनी स्वेच्छा से साझेदारी फॉर्म को छोड़कर जाना चाहता है तो उसके क्या अधिकार होते हैं, क्या दायित्व होते हैं, और उसको जो संपत्तियां उसकी जो जितना वो संपत्ति लेके प्रवेश किया था साझेदारी में वो सभी संपत्तियां उसको वापस कर दी जाती है। देखिए स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से नए साझेदार के प्रवेश के समय बहुत सारे कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, संपत्तियों का उनका करना पड़ता है, कैलकुलेशन करता है, संपत्ति और दायित्वों का करना पड़ता है, उसी प्रकार से किसी साझेदार के फॉर्म को छोड़कर जब कोई साझेदार जाता है तो उसको भी उसके हिस्से की संपत्ति वापस करनी होती है। उस समय जब तक वो फॉर्म में रहा है उस बीच में जो कुछ भी फॉर्म को अगर फायदा हुआ तो उसमें वो लाभ में हिस्सा पाने का हिस्सेदार है, यदि फॉर्म को नुकसान हुआ तो उसके लिए भी जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है उसके लिए भी वो जिम्मेदार होता है। तो उसको लाभ और हानि में जब तक वो बना है फॉर्म में उसके लिए वो जिम्मेदार होता है। और फॉर्म को जैसे जब तक सभी साझेदारों की सहमति नहीं होती तब तक नए साझेदार का प्रवेश नहीं होता, उसी प्रकार से जब किसी साझेदार को फॉर्म को छोड़कर जाना होता है तब पर भी उसको सभी को पहले सूचना देनी पड़ती है। कम से कम उसको 6 महीने पूर्व सूचना देनी होती है कि वो फॉर्म से अवकाश ग्रहण करना चाहता है, वो रिटायरमेंट लेना चाहता है, तभी वो फॉर्म को छोड़कर जा सकता है। कि उसको 6 महीने पूर्व सूचना देनी पड़ती है, वो साझेदारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार साझेदारी से अवकाश ग्रहण कर सकता है।
जो साझेदारी अधिनियम की जो प्रावधान है उसके जो रूल रेगुलेशन सिस्टम है उसके तहत वो कभी भी साझेदारी फर्म को छोड़कर जा सकता है कोई साझेदार, परंतु उसके पूर्व उसको 6 महीने पूर्व उसको सूचना देनी पड़ती है। साझेदार के अवकाश, जैसे कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है या प्रवेश करता है, मैंने बताया था चाहे एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो, दोनों ही कंडीशन में जो साझेदारी का जो अनुबंध होता है वो भंग हो जाता है, यानी कि जो उसके पहले का जो एग्रीमेंट है वो समाप्त हो जाता है और एडमिशन की तरह रिटायरमेंट में भी फिर से जो हमारे पास जो रिमेनिंग पार्टनर्स बच जाएंगे, कोई एक रिटायरमेंट ले लिया तो जो बचे हुए जो साझेदार हैं उनके बीच में फिर से एक नया एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, नया अनुबंध बनाना पड़ता है, नए लाभ हानि अनुपात के साथ बनता है। तो उसके लिए आपको कोशिश करती हूँ, इस वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में नए साझेदार के अवकाश से संबंधित और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेके हम लोग मिलेंगे। और स्टूडेंट्स, आप वीडियो को देखिए, इसको शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स लोगों को भी हेल्प मिल सके। और मैंने कोशिश किया है कि कंप्लीट पार्टनरशिप को इस वीडियो में मैंने लाने की कोशिश किया है, एडमिशन, इंट्रोडक्शन, रिटायरमेंट, तीनों का थोड़ा थोड़ा पोर्शन मैंने इसमें डालने की कोशिश किया है, जिससे कि आपको थ्योरी पोर्शन पे बहुत ज़्यादा अलग से मेहनत नहीं करना पड़े और आप अपना जो भी फोकस है उसको न्यूमेरिक पोर्शन पे कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, बाय।